सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार औद्योगिक इलाकों में दिन में 75, रात में 70 डेसिबल, व्यवसायिक इलाकों में दिन में 65 और रात में 55 डेसिबल की अनुमति है। आवासीय इलाकों में दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल स्तर की ही अनुमति होगी। लाउड स्पीकर विवाद के बाद कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकारें सख्त हो गई हैं और मंदिरों और मस्जिदों को नोटिस दिया गया है। तय सीमा से ज्यादा आवाज पर कार्यवाही की जाएगी। धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकरों की आवाज को लेकर कर्नाटक और महाराष्ट्र की सरकार ने ये सख्त रुख अपनाया है। दोनों ही राज्यों में लाउड स्पीकरों की आवाज तय सीमा में रखने को लेकर नोटिस जारी कर कहा गया है कि उल्लंघन करने पर कार्यवाही की जाएगी। बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर कमल पंत ने बृहस्पतिवार को बताया कि 125 मस्जिदों, 83 मंदिरों, 22 चर्च, 59 पब, बार और रेस्टोरेंट और 12 उद्योगों को नोटिस जारी किए गए हैं। कहा गया है कि लाउड स्पीकर की आवाज स्वीकृत डेसिबल स्तर तक बनाई रखी जाए। प्रदेश सरकार में मंत्री KS ईश्वरप्पा ने कहा कि लाउड स्पीकरों के जरिए मुस्लिमों के अजान और हिंदुओं के हनुमान चालीसा की कोई प्रतियोगिता या स्पर्धा नहीं है। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि इसे लेकर गृह मंत्रालय के पास पहले से ही एक गाइडलाइन है। प्रदेश के गृह मंत्री ने लाउड स्पीकरों पर नोटिस भी जारी किए हैं। बेंगलुरु के जामिया मस्जिद सिटी मार्केट के इमाम मौलाना मकसूद इमरान ने कहा, कई मस्जिदों को नोटिस मिले हैं, हमने उपकरण लगाने शुरू कर दिए हैं ताकि स्वीकृत स्तर से अधिक आवाज न जाए और किसी को परेशानी न हो। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार औद्योगिक इलाकों में दिन में 75, रात में 70 डेसिबल, व्यावसायिक इलाकों में दिन में 65 और रात में 55 डेसिबल की अनुमति है। आवासीय इलाकों में दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल स्तर की ही अनुमति होगी। गौरतलब है कि पूरे देश में अब लाउड स्पीकरों को लेकर एक राजनीति भी शुरू हो गई है। राज ठाकरे भी इस पर अपना कड़ा बयान दे चुके हैं। उनका कहना था कि अगर अजान की आवाज आएगी तो हम तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाएंगे। उनके कार्यकर्ताओं ने अपने कार्यालय में ऐसा किया भी। इसको लेकर गायिका अनुराधा पौडवाल भी चर्चा में है, क्योंकि उन्होंने भी कुछ इसी तरह का बयान दिया। मस्जिदों में अजान की आवाज को लेकर कई बार मुद्दा उठता रहा है। कई बार स्थानीय लोगों ने भी इसकी शिकायत की है और इसी तरह ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए हमेशा आवाज उठती रही है। ये बात सिर्फ मंदिर और मस्जिद की नहीं है, कई उद्योगों और बार, पब आदि को भी नोटिस जारी किए गए हैं। स्पष्ट है कि ये कार्यवाही ध्वनि प्रदूषण को रोकने के मकसद से की जा रही है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।